नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे सबसे पहले उन खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, साथ ही अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जो आज सुर्खियों में छाई रह सकती हैं। पहली खबर का रुख कर लेते हैं पंजाब से। आज पंजाब कैबिनेट की चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। यहां आपको बता दें कि इस बैठक पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जरूर नजर है, क्योंकि पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नियम पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जा सकता है। रेगुलर करने की कैबिनेट की सब कमेटी से सहमति जो है वो मिल चुकी है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। अगली अहम खबर की बात की जाए तो सुखबीर सिंह बादल आज करेंगे गेटवे ऑफ अमृतसर का उद्घाटन। चुनाव आयोग की टीम आज पंजाब के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। इसके अलावा आज भटिंडा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली होगी। साथ ही केजरीवाल भटिंडा में व्यापारियों के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज 84 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जज बदलने की याचिका पर भी सुनवाई होगी। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, जो सुर्खियों में छाई रह सकती हैं। चलिए अब तक की बड़ी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल का नारा राज नहीं सेवा को चुनाव आयोग ने आउट कर दिया है। आयोग ने इस नारे को हटाने को कहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार को पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये एक पार्टी का नारा हो सकता है, सरकार का नहीं। ऐसे में अब सरकार इन नारे नहीं लगा सकती है, जबकि अकाली दल पूरे मामले से खुद को अनजान बता रही है। अकाली बीजेपी सरकार के नारे राज नहीं सेवा, इस पर चुनाव आयोग को एतराज है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इस बारे में पंजाब सरकार को एक लेटर भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि ये नारा एक पार्टी का हो सकता है लेकिन सरकार का नहीं। आयोग के आदेश के बाद अब ये नारा सरकारी इश्तिहारों में देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर अकाली दल से जब संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है। अब सरकार ने उस नारे की जगह पंजाब पंजाबी नहीं, नारे राज दा राज नहीं सेवा पार्टी दा तो है ही नहीं। राज दा नारा ते राज जिहड़ा हैगा सेवादार बन के करना, मैं नहीं पता, वैसे मेरे नॉलेज नहीं है। शायद चीमा साहब के नॉलेज हो इस तरह का इलेक्शन कमीशन ने कहा हो, पर सेवा तो राज नहीं सेवा तो है ही है। ऐसा अनपार्लीमेंट्री या ऐसे का कोई इधर है नहीं, बाकी चीमा साहब मुझे ज्यादा पता है। अकाली बीजेपी गठजोड़ की सरकार ने अपना नया नारा पंजाब पंजाबियों का रख लिया है। अब सरकारी इश्तिहारों में यही नया नारा नजर आएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से पहले प्रदेश सरकार के नारे राज नहीं सेवा पर विरोधी पार्टियों ने समय समय पर तंज कसा था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।